एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में सुबह के 10 बजे, और अयान के जो पापा हैं वो ऑफिस जा चुके हैं। मैंने आज सुबह इसलिए नहीं शूट किया जब वो जा रहे थे तब, क्योंकि आज मैं ही लेट उठी, क्योंकि आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था कि अयान की छुट्टी है, तो आज मैं भी 8:15 बजे उठी। फटाफट उठ के बस खाना वाना बनाया, उनका लंच वगैरह प्रिपेयर किया, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया फटाफट, क्योंकि फिर उनका ऐसा होता है कि अगर उनका मन करा ना तो वो छोड़ के भी भाग जाएंगे, नहीं करके जाएंगे लंच भी ना, सॉरी लंच भी लेके जाएंगे और ब्रेकफास्ट भी नहीं करके जाएंगे। और आज है टीचर्स डे, तो हमारी तरफ से आप सभी को, जो भी टीचर हैं उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे, है ना? खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अरे यार भूख लग रही, चलो पराठा खिलाती हूँ अभी, इधर आओ, खड़े होके करते हैं हैप्पी टीचर्स डे, ऐसे बोलो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, जो टीचर्स हैं उनको, ऐसे किसी को भी थोड़ी, नहीं जो जो टीचर्स हैं उनको। तो आप मुझे क्यों हैप्पी टीचर्स डे कर रहे थे सुबह सुबह? क्योंकि आप भी एक टीचर हो। किसकी टीचर हूँ मैं? मेरे। आपकी टीचर हूँ मैं, लड्डू। तो गाइज, आज है टीचर्स डे, इसलिए है अयान की छुट्टी, और अयान आज फुल मौज मार रहा है। वैसे इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर किया है इसने। अब कल एक और एग्जाम है तो उसके लिए भी मैं पढ़ाऊंगी। फिलहाल जो है मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि एक गुड न्यूज है, आज हमारी मेड आई थी। वो गुड न्यूज मेरे लिए, आप सब लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए गुड न्यूज है, आज मेरी मेड आई थी। तो फटाफट से सारा काम खत्म करवा लेती हूँ मैं, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइज, अयान जो है ना वो मेरे चेप हो रहा है, मुझे कह रहा है कि मम्मा आज मुझे मॉल लेके चलो। एक्चुअल में ना मैं 2-3 दिन से इसको पागल बना रही हूँ, मैं 2-3 दिन से इसको डेली ये कह देती हूँ कि बेटा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। और मैंने इसको कहा था टीचर्स डे वाले दिन जब तेरी छुट्टी होगी ना तब पक्का लेके चलूंगी, पर मैं इसलिए नहीं लेके जाना चाह रही क्योंकि मैं क्या करूंगी वहां पर, ये तो प्ले एरिया में खेल लेगा, मैं बोर होऊंगी ना पूरी तरह, इसलिए मैं इसको ले जाना नहीं चाह रही। और दूसरा ना, मैं राहुल नीतू से भी पूछने की कोशिश कर रही थी, मैंने भाभी को भी फ़ोन किया कि कोई चल ले साथ में, तो फिर एक ही हो जाता ना, बच्चे भी खेल लेंगे साथ में, टिया परी या वो काबू सब खेल लेते, बट उन सब ने मना कर दिया। और भाभी ने बोला है कि थोड़े दिनों बाद चलेंगे, टिया के एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे तब। अब देखते हैं, बात करके देखती हूँ आप लोगों के सामने। आयु देख, तेरे पास है ना दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन तो ये है कि तू आज ही जाए मॉल में और सिर्फ घूम फिर के आ जाए, और हम जिस मॉल में जाएं क्या पता उसमें गेमिंग जोन बंद भी हो गया हो। और दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे बड़ी मामी कह रही है ना कि अभी टिया दीदी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर टिया दीदी को और आपको गेमिंग जोन भी ले जाएंगे हम, और आप लोगों को एक मूवी भी दिखा के लाएंगे जो बच्चों वाली मूवीज़ आती हैं। अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, आपको आज जाना है या वो थोड़े दिन बाद जब टिया दीदी जाएगी। देखो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, टिया दीदी के साथ और इन्जॉय कर पाओगे, खेल पाओगे। मैं चारों तरफ से गिर चुका हूँ। गिर गया, अब ना गया तब बता तो थोड़ी देर में। अच्छा मैं नहाया हूँ फिर बताएगा, तो मेरे को अभी बता देना बेटा, मैं नहा के आऊंगी तो फिर मैं कपड़े उस हिसाब से पहनूंगी ना, सोच के देखना तब ज्यादा इंजॉयमेंट होएगा, अभी इतना नहीं होएगा, अभी तो आज जाएंगे। देखो कुछ खाना मैं घर पे ही मंगा देती हूँ ना। आप और पापा आलसी हो, आपको बस सोने की लगी रहती है। आलसी? मैं भी आलसी हूँ, मैं तो अयान। उस दिन आप कह रहे थे ना, क्या छत पे लिखा है क्या? नहीं, दिखा क्या लिखा है क्या छत पे कुछ? नहीं, उस दिन आप कह रहे थे ना, गाइस एक दिन है ना मॉल जाने का प्लान बना था, तो मम्मा ने कहा चल रहन देना, घर पे ही खाना मंगाऊंगी, कहीं पर ही खिलाऊंगी। क्या मंगाया? टैको। तू एक्टिंग मत करो, आपसे पूछ के मंगाया था क्या मंगाया? खाली टैको टैको थोड़ी ना मंगाना होता है, और कुछ भी चीजें मंगानी होती है। और जब अगर मैं पहले की तरह कर दूं, अगर जैसे हम लोग बचपन में करते थे, दो इधर से दो इधर से, चुपचाप सो जा घर में, समझा? एक तो सारी जिद पूरी करो, ऊपर से मेरे ऊपर ये एहसान दिखा रहा है। चलो आज ही है, चलो मुझे तेरे को भरोसा नहीं है कि ये फिर पलट जाएगी? है तैयार हो जाता बेचारा, उस दिन भी तैयार हो गया था, आज भी तैयार हो गया, तो चलना ही चलना है। मिला भी नहीं ना, खा के जाऊंगा मैं। नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, मेरे को तो बस मॉल जाने का शौक है। हाँ हाँ हाँ, फ्री के पैसे आ रहे हैं, पेड़ पे लटक रहे पैसे। तो गाइज फाइनली अयान मान चुका है, और इतना समझदार है मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतना समझदार है मेरा लड्डू। मैंने मम्मी
से भी पिंकी प्रॉमिस किया, आपसे भी पिंकी प्रॉमिस किया, मेरे को खाने के लिए कुछ किया है तो आपने किया है। आपने मेरे से पिंकी प्रॉमिस किया है कि हाँ। आप कभी नहीं जाओगे मॉल? नहीं जाऊंगा हाँ। पर जब बड़ी पटिया दीदी के जब एग्जाम खत्म होंगे तब मैं जाऊंगी। गाइस इतना क्षण है भाभी के पास फोन करवा के, भाभी से पिंकी प्रॉमिस लिया है कि मामी, और मैंने आपको भी किया है हाँ, और मेरे से भी लिया है। ऐसे कैसे करके लेते हैं? नहीं ऐसे कैसे, ऐसे करके पिंकी प्रॉमिस लिया है कि मम्मा आप मुझे लेके ही लेके जाओगी जब टिया दीदी जाएंगी जब, और उसके बदले में इस लड़के ने हाँ सुनाओ मेरे को अब उसके बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के लिए, और मैं कुछ ना दूं तो रोटी सब्जी बना रखी है, दाल बना रखी, भिंडी की सब्जी बना रखी, खा वो रोटी खा। मैं नहीं खाऊंगा वो। आयान कितना खुश हो गया, कितना खुश, इसको यही चाहिए बस, ये बर्गर चाहिए और इधर ये जेसन ब्लॉग्स चाहिए है ना, यही चाहिए बस पूरे दिन। पढ़ाई कौन करेगा? पापा। अभी अगर मैं रोटी खिला रही होती ना तो वो तेर से नहीं खाई जाती, बर्गर भी खा गया रैप के। यार नहीं खाया जा रहा, जबरदस्ती मत खाओ। मम्मा भूख लग रही है, शेक दो। अच्छा शेक भी दूं? ले भाई ले, ये लो भाई शेक भी पिएगा ये। कैवेंटर से नीचे तो शेक नहीं पीता है लड़का, ये देख रहे हो क्या मौज आ रही है लड़के की। जल्दी से खा ले बेटा, पढ़ाई कराऊंगी फिर थोड़ी देर। चाटा मारूंगी, बहुत देर हो गई है बकवास सुनते हुए। चुपचाप खा, गिराएगा बेड पे, चुपचाप खा लो फटाफट। बर्गर खा पी के निपटा चुका है गाइस, ये देखो ये रखा खाली बर्गर का डब्बा, और यहाँ चल रहा है रैप। आयान बेटा जितना खाया जाए उतना ही खाना, फालतू नहीं खाना। ओके भर दूंगा, मुझे डर है कहीं उल्टी ना कर दे कॉम्पिटिशन। आंखें चढ़ रही है, नींद आ रही, चल खा ले, चल खा के सो जा फिर उठना, उठ के पढ़ लेना ठीक है। आज गेमिंग जोन की बात कर रहे थे ना, ये देखो यहाँ पर भी अखबार में भी गेमिंग जोन ही दिख रहा है भाई। कोई बात नहीं अब तू खा ले, अब हो गया तेरा गेमिंग जोन, फटाफट खाओ और बड़ी मम्मी के साथ। हाँ तब लेके जाऊंगी, अब खाओ फटाफट। तो गाइज अयान जो है ना डॉगी को खीर खिलाई है थोड़ी सी, और दूसरे मटके में पानी डाल रहा है। एक्चुअल में ना जो छोटा वाला जिसमें डॉगी खा रहा है ना, और भर लो बेटा, जिसमें डॉगी खा रहा है ना वो खीर, उसमें तो ये डॉगी पीते हैं, और इस बड़े से मटके में ना गाय आती हैं पीछे से, वो गाय पीती हैं पानी, तो उनके लिए ना हम लोग हर टाइम यहाँ पे भर के रखते हैं कि गर्मी में डॉगी भी पी ले और गाय भी पी ले। अब यान और भर के ला रहा, डॉगी ने ना दूध दूध तो पूरा पी लिया और वो छोड़ दिया, चावल बचे हुए हैं उसमें थोड़े। बस बेटा इसमें इतना ही बहुत है आयान, बस वो लुढ़क जाएगा। आयान आयान मैं मना कर रही हूँ, और भर के लाओ उसमें डालेंगे। देख काजू खा रहा है वो डॉगी, देख काजू खा रहा है, मौज आ रही है। बस रहने दे उसमें नहीं भर रहे अब, अगर किसी डॉगी को पीना होगा तो इसी में से पी लेंगे। चलो अब नहीं उसमें सुबह डालेंगे, चलो चलो। देखो मैं हेल्प करता हूँ तो अच्छी बात है ना बेटा, ये तो बेजुबान जानवरों की करनी चाहिए ना। हम ऊपर भी रखते हैं, बर्ड्स के लिए भी रखते हैं ना। हाँ चलो अब ऊपर चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस कल जो है मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को लगा कि मैं और अयानी है घर पे, तो आपको क्या मैं और अयानी दिखाती रहूं बार बार, आप लोग भी बोर हो जाओगे। और अमन आए थे थोड़ा सा लेट रात को, तो इस वजह से जो है मैं आगे का व्लॉग शूट नहीं कर पाई। अब मॉर्निंग हो गई है, नेक्स्ट डे है, फ्राइडे है आज। तो आज क्या है कि मेरी मेड आज फिर से नहीं आई क्योंकि वो बोल रही थी कि भाभी मेरा ना आज तीज का व्रत रहेगा, तो मैं हमारे में तीज के व्रत में पानी भी नहीं पीते, तो मैं पूरे टाइम जो है कैसे काम वगैरह करूँगी, तो आज आज और आप मैनेज कर लो। तो मैंने उसको बोला मैंने कहा ठीक है तो तू मत आई हो। तो अभी जस्ट झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन खाना पीना सब बना के फ्री हुई हूँ, और अमन गए हैं मम्मी को लेने के लिए। पहले बता देती हूँ, अयान चला गया है स्कूल और अमन गए हैं मम्मी को लेने के लिए मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे। मम्मी थोड़ा सा गिर गई थी तो उनके पैर में थोड़ी चोट लगी है, तो अभी उनको हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वो आ रहे हैं। मैं नहा धो ली, रेडी हो गई, आज सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने। जब खुद करते हैं ना 9:30 बजे सारा काम, सारा A to Z सब कुछ ख़त्म, खाना पीना सब बना दिया, सब कर दिया मैंने। तो अभी फ़िलहाल जो है मम्मी को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, देखते हैं कि कितनी ज़्यादा चोट लगी है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया था कि भैया ऐसे ऐसे मम्मी गिर गई है, मम्मी को चोट लग गई है। तो हम लोग लेके जा रहे हैं मम्मी को डॉक्टर के पास। और गाइज आज आप देख रहे हो फिर से मौसम जो है बहुत ही बेहतरीन हो रखा है, बारिश हुई है। सुबह सुबह अयान गया था तब बहुत तेज़ बारिश हुई है, देखो नीचे पानी भी भरा हुआ है मैं दिखाऊँ तो।
और ये देखो इधर भी, कल मैंने कहा था ना इधर देखो पानी भरा हुआ है, इधर भी पूरे रोड पे भरा हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था ना कल कि जिस दिन अयान स्कूल नहीं जाता उस दिन बारिश नहीं होती, परसों वाले मतलब हाँ पिछले व्लॉग में कहा था। तो कल अयान घर पे था, 5 सितंबर टीचर्स डे था, तो कल धूप निकली हुई बढ़िया, और आज देखो मौसम के हाल, आज दोबारा से बारिश हुई है, पार्क में भी भरा हुआ है कितना सारा पानी, अभी भी हो रही है इसका मतलब बारिश है, देखो अभी भी बूंदें गिर रही हैं, बारिश हो रही है। और गाइस असली मज़े तो है ना ये बच्चे करते हैं, फुल मज़े लेते हैं ये पानी में, लोट पोट के बढ़िया नहाते हैं, इंजॉय करते हैं बारिश के पानी में। और ये हमारे घर के आगे कबाड़ा पड़ा हुआ है, इसको कोई नहीं हटवा रहा यहाँ से, मैं नहीं थी उस दिन जिस दिन ये डला, नहीं तो मैं डलने ही नहीं देती यहाँ पे। और उधर भी पड़ा हुआ है, अब इसकी वजह से ना यहाँ पूरे में पानी भर जाता है, डेंगू और फैल रहा है ऊपर से, यहाँ से कटवा के यहाँ डलवा दिया। तो गाइस बारिश की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा। एक तो सुबह सुबह का टाइम था, हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली, जिस डॉक्टर के पास हमें जाना था ना उसके यहाँ पे 10 बजे से 1 बजे तक बैठते हैं वो डॉक्टर, गुड़गांव में स्पेशलिस्ट है वो हड्डियों के लिए। तो हमें लगा कि मम्मी गिरी है, पैर मुड़ा है, तो कहीं फ्रैक्चर वगैरह ना हो, इसलिए डायरेक्ट उन्हीं डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर फ़ोन किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आज का बुकड है, कल मिलेगा। फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे ना एक्सीडेंट हो गया है, मतलब गिर गई हैं मम्मी, तो अभी एमरजेंसी में ही दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो आप ले आओ फिर देखते हैं। बट यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि लोग मेरे पास ही 1.5 घंटे बाद पहुँचे हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर से जब निकले हैं, तो क्योंकि ऑफिस का ट्रैफिक सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रहता है। और ये देखो गाइस मम्मी का पैर है ना इतना ज़्यादा सूज गया है, पूरा इतना मोटा हो गया पैर, इतनी ज़्यादा चोट लगी। मम्मी ने ना एक गर्म पट्टी बांध के और मूव लगा के गर्म पट्टी बांध के और उसके ऊपर जो है वो पन्नी बांध रखी है ताकि बाहर बारिश में उतरें तो पैर गीला ना हो। अरे ज़्यादा दर्द होएगा फिर पैर में, आराम से देखना चला भी नहीं जा रहा, छोड़ दो आप गाड़ी को, छोड़ दो, आराम से बैठ जाओ बस। देखो प्रॉब्लम तो है, पैर में लगी तो है बहुत ज़्यादा, पर है ना मम्मी ऐसे करती हैं कि जैसे नहीं मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अब है ना व्हीलचेयर पे बैठने के लिए भी मना कर रही थी, पर हमने ज़बरदस्ती बिठाया कि आपको व्हीलचेयर पे बिठा के ही अंदर लेके जाएं क्योंकि नीचे जाना था। तो गाइस ये देखो स्वेलिंग तो है, सूजा तो हुआ है पूरा यहाँ से, ये देखो ना यहाँ से भी सूजा हुआ है। एक्सरे कराने के लिए बोला है गाइस अभी डॉक्टर ने, तो एक्सरे कराते हैं और देखते हैं फिर। भैया ये पूरा ऐसे मुड़ गया पैर पूरा, पर लेकिन सूजन तो आ रहा है ना, दर्द नहीं है बेशक। तो दर्द कहाँ है फिर, सूजन तो यहाँ है। अच्छा तो गाइस हम बाहर आके ना बहुत ज़्यादा हंसे क्योंकि जो भैया है ना इन्होंने मम्मी को ले जाके गटर के पास ही खड़ा कर दिया। मम्मी को लगने लग गया डर बहुत ज़्यादा क्योंकि मम्मी का ना पैर जो मुड़ा है ना वो टैंक से ही मुड़ा है, टैंक पे ढक्कन पे पैर स्लिप होके और मुड़ गया बहुत ज़्यादा। तो मम्मी को ये ढक्कन वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, इसलिए मना करे जा रही थी। और यहाँ खिड़की के पास भी गटर था। तो गाइस आ गए हैं डॉक्टर के पास से वापस, और मम्मी के जो राइट पैर का अंगूठा है उसके पास बिल्कुल माइनर सा फ्रैक्चर है, बट मम्मी को पेन नहीं है वहाँ पे। तो उसने ये बोला था उस टाइम पे तो कि थोड़ी सी पट्टी करके दोनों जो अंगूठे के पास वाली उंगली है और अंगूठा है इन दोनों को साथ में बांध देते हैं 3 हफ्ते के लिए, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा माइनर सा फ्रैक्चर बता रहे थे, बट फिर उन्होंने प्रेस कर करके देखा तो मम्मी को पेन ही नहीं है वहाँ पे, जहाँ फ्रैक्चर बताया है वहाँ पेन नहीं है, उसके अलावा बाकी पूरे पैर में पेन है। अब वो पता नहीं, हो सकता है या तो अभी नई नई चोट लगी है, पर वैसे तो रात से अभी तक पता लग जाता अगर कहीं और कुछ होता तो। तो अभी फ़िलहाल 6 दिन की दवाई दी है, अगर उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा लेके आएंगे, फिर देखेंगे दोबारा क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं।